कर दिया स्टार्ट। ठीक तो लग रहा हूँ ना, कर दिया ना स्टार्ट। ओ चल बताया भी नहीं। चल है वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नई वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों आज का वो वीडियो कोई टॉपिक पे नहीं है और आज का वीडियो मैं कोई पर्सनल ओपिनियन में आपके शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता ही, रिसेंटली मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था कि टैटू बनवाने के बाद में आपको ऐसी कौन सी बातें, ऐसी कौन सी गलतियाँ जिन्हें आप नहीं करनी चाहिए और कौन सी ऐसी बातें जिनका आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए जिसका आपका टैटू बहुत एक अच्छी तरह से रूप ले सके। लेकिन दोस्तों जो आपका भाई बता रहा था उन्हीं सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए मैंने उन सब बातों को फॉलो नहीं किया, जिससे आपको पता है अच्छी तरह से, जिन्हें मेरा टैटू का पार्ट वन देखा होगा उन्हें भी अच्छी तरह से पता होगा कि मैंने भी अपने हाथों पर टैटू बनवाया था। मैंने उन बातों को फॉलो नहीं किया जिसके कारण से मेरा टैटू किस तरह से ख़राब हुआ है और या उसकी पोजीशन क्या है, मैं आपको वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो बने रहेगा हमारे वीडियो को एंड तक। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने रिसेंटली टैटू बनवाया है या टैटू बनवाने के बारे में सोच रहे हैं या जिन लोगों का टैटू ख़राब होते हुए अपने टैटू को बचाना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर नए हो, अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल का जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब है। जब भी मैं अपना यूट्यूब स्टूडियो खोलता हूं, अगर एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है तो भाई बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा। बहुत तेज हो रहा है। इसलिए प्रेस कर लीजिए और भाई बन जाइए अपने इस भाई की फैमिली का हिस्सा। चलिए वीडियो को स्टार्ट। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि मेरे टैटू की हाल फिलहाल में किस तरह की पोजीशन है, मेरा टैटू किस तरह का रूप ले चुका है। अगर आप अपने टैटू को एक अच्छी शेप देना चाहते हो और चाहते हो कि आपका टैटू ख़राब ना हो, आपके टैटू पे किसी भी तरह के दाने या कोई भी रिएक्शन देखने को ना मिले, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ मेरे टैटू की हालत किस तरह है। भाई कैमरा इस तरफ लेके आइए, फोकस कीजिए इस पर। ये देखिए मैंने अपने टैटू को ध्यान ना दिया जिसके कारण से टैटू की हालत क्या हो चुकी है। देखो ये किस तरह से रिएक्शन किया, मैं आपको वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बताने वाला हूँ। चलिए भाई बैग जा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की प्रॉब्लम को आप कैसे बच सकते हो, आप अपने टैटू को इस तरह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो आप कैसे अपने टैटू को इस तरह की प्रॉब्लम से दूर रख सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको कौन सी बातों का खासकर ध्यान रखना चाहिए। सबसे फर्स्ट है, आपको नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपने टैटू बनवा रखा है तो आपको 15 दिन, जो रिसेंटली नए टैटू होते हैं उन्हें 15 से 20 दिन तक आपको नॉनवेज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें गर्म तरह के पदार्थ पड़े होते हैं, इसलिए आपको टैटू को गर्म करते हो दाने निकल जाते हैं जिसके कारण आपके टैटू खराब हो जाता है। समझ रहे हो। सेकंड है, अगर आप कहीं भी बाहर निकलते, धूप में निकलते, तो आप अपने टैटू को किसी भी कपड़े से या किसी भी चीज़ से कवर करके निकलिए। अगर नहीं भी कवर कर पाते हो तो ध्यान रखिए, आप कहीं भी निकलते हो तो उस पर नारियल का तेल या बेबी जॉनसन का जो भी तेल आता है उसे लगा के आप कहीं भी धूप में या कहीं भी बाहर निकलिए। नहीं ये हुआ सेकेंड वर्ड। अब थर्ड आती है, आप अपने टैटू जो 15 दिनों तक आपको खासकर ध्यान रखना। अगर आपने बारिश के महीने में बनाया तो ध्यान रखिए कि आपके टैटू के ऊपर पानी की बूंदें ना पड़े, बारिश का पानी तो बिल्कुल भी ना पड़े। अगर आप नहाते हो तो उसे कवर करके किसी भी चीज़ से आप नहाइए। और ये हुई थर्ड बात। अब चौथा पॉइंट है जो मेन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने सोच चुका कि हाँ भाई मैंने तो किसी भी तरह की गलतियाँ तो की ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपके टैटू पे दाना निकल रहा है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपके टैटू पे देखने को मिल रही है, अगर जैसे कहीं भी आपके टैटू पे दाना निकलता है तो जैसे कि आपने देख ही लिया होगा मैंने किस तरह की गलती की, ये मैं आपका अपना पर्सनल ओपिनियन आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने उस तरह, अगर आपके टैटू पे दाना निकल चुका है तो आपको ध्यान रखना होगा अपने हाथों से उसे ना फोड़िए, क्योंकि अगर अपने हाथों से फोड़िए जिससे उसमें जो केमिकल जो भी पदार्थ उसमें से निकलता है वो फैल जाता है, जिसके कारण से आपके टैटू पे पूरी तरह से रिएक्शन देखने को मिलता है। इसलिए आप अपने हाथों से दाने को ना फोड़िए, कोशिश कीजिए कि मेडिसिन की सहायता से वो ऑटोमेटिक दबता चला जाए, और इस तरह के आपको बातों का खासकर से ध्यान रखना होगा। और अगर आप अपने टैटू को अच्छी तरह से प्रॉपर शेप में लाना चाहते हो तो दोस्तों मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पर पार्ट वन भी टैटू के ऊपर बनाया, आप जाके उसे खास करके वॉच कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो की जानकारी कैसे लगे, अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल का जो रेड कलर का बटन उसे प्रेस करके अपने इस भाई की फैमिली का हिस्सा बनिए। चाहिए आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों।